सभी किसान भाइयों का स्वागत करते हैं फिर से एक नया वीडियो में। आज हमारा परिचय देख सकते हैं, यहाँ पर थाई बारहमासी आमड़ा जो है इसको हॉक प्लम भी बोला जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना शानदार जो फ्रूटिंग आया हुआ है। ये बारहमासी है। नॉर्मली हॉक प्लम या फिर आमड़ा जो है जो सीजनल रहता था और बहुत ही खट्टा रहता था, क्योंकि ये साइट्रस टाइप का सीड, इसका विटामिन सी वगैरह मिलता है तो इसमें हल्का खट्टनेस तो नॉर्मली रह जाता है। ये बारहमासी थाई वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये अंगूर का जैसा एकदम गुच्छे में फ्लावर जो फ्रूट आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार फ्रूट और फ्लावर भी है वो साइड में। बारहमासी का मैं पहले भी बताया, बहुत ही जो कॉमन वैशिष्ट जो होता है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों एक साथ में मिलता है काफ़ी बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं छोटा फ्रूट भी है, बड़ा फ्रूट, मैच्योर फ्रूट भी है। ये देख सकते हैं आप, एकदम छोटा छोटा दो फ्रूट है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे हाथ में अगर। और बारहमासी थाई आमड़ा जो है ये, इसका एक जो मेन जो बेनिफिट जो है, बहुत स्वीट रहता है, इसमें खट्टरनेस का परिमाण बहुत कम रहता है, स्वीट रहता है। अभी के टाइम पे मतलब घर के लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट पौधा जो है, क्योंकि हर टाइम आप विटामिन सी यूज़ कर सकते कभी भी घर वाले। तो बारहमासी ये जो थाई आमड़ा जो है, ठीक है, इसका और भी काफ़ी सारा वैशिष्ट जो है उसके लिए हमारा वीडियो को पूरा तक देखिए। मैं इसका बारे में बहुत कुछ जानकारी आज इस वीडियो में देंगे। कॉमर्शियली फार्मिंग में ये जो आमला का जो पौधा है इसमें बेनिफिट क्या रहेगा, एक छोटा सा पौधा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा मुझसे भी हाइट में ज़्यादा हाइट में नहीं है, करीब 7-8 फीट तक ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, 3-4 साल का पौधा है, 7-8 फीट हाइट है, तो समझ ही सकते ये छोटा ड्वार्फ वैरायटी है, ठीक है। तो इसमें क्या रहा, आप एक एक जो फ्रूट है हमारा, नॉर्मली मार्केट में हम लोग तो 100 रुपये में लोकल में छोड़ देते हैं, होलसेल का बात करें तो 60 रुपीज़ मिनिमम प्राइस मिल जाता है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पर। तो इसमें क्योंकि ये आपको नॉर्मली सलाद पे भी यूज़ कर सकते हैं, खाने पे भी, कच्चा भी मीट पकने के बाद भी खा सकते हैं, और इसका अच्छा खासा सब्जी भी बन जाता है और सलाद भी बनता है, ठीक है। और इसमें एक मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ, बारहमासी आमड़ा का जो खासियत क्या रहता है ना, जितना भी साइज में पौधा लगाएंगे कंटिन्यू फ्रूटिंग रहता है, ठीक है, हर टाइम आपको फ्रूटिंग मिलता है। और बारहमासी आमड़ा का जो है इसका जो मैं आपको एक फ्रूट अगर टेस्ट करके बताएंगे अभी, इसका आप देख सकते हैं जो फ्रूट है यहाँ पर मैच्योर फ्रूट, प्री मैच्योर फ्रूट, फ्लावर, कमिंग, सब कुछ एक साथ में है, ठीक है। और इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं, अच्छा खासा साइज़ भी बना हुआ है, मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये साइज़ देखिए कितना बड़ी, कितना शानदार जो इसका साइज़ बना हुआ है, आप देख पाएंगे बहुत शानदार जो इसका साइज़ है, ठीक है। तो ये फ्रूट का मैं देखिए इसका एक बात कह रहा था ना, इसका ऊपर से थोड़ा डार्कनेस है, ये ब्लैक शेड वगैरह पड़ा हुआ है, ये आमड़ा का एक वैशिष्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और मैं इसका अगर कटिंग करके दिखाएंगे, इसका अंदर में जो थाई वाला पहले का जो आमड़ा था उसमें क्या होता था ना, उसका अंदर वह सीड जो रहता था काफ़ी हद तक मोटा रहता था और उसमें खट्टापन तो रहता था, ये वाला सीड जो है परिमाण में बहुत कम है, छोटा है, ठीक है, ये भी आपको कट्टा नुकीलेदार सीड रहता है इसके अंदर भी, बट ये टेस्ट में बहुत ही शानदार टेस्ट जो इसमें मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ्रूटिंग में आपको सामने लाइव कटिंग करके और टेस्ट करके आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसे आता है और फ्रूटिंग के अंदर में किस टाइप का दिखता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ध्यान से, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा नज़दीक आके देखिए, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे एकदम सीड ना के बराबर, सीड ना के बराबर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो खाने वाला पर्शन मिल जाता है। कहा जाता है कि जो थाई माल थाई आमड़ा है इसमें आपको 90% जो पानी मिलता है और बाकी का जो न्यूट्रिशन रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम सीड ना के बराबर, ठीक है, इसमें अंदर सीड मतलब सीडलेस भी ये हो जाता है, देखिए कोई सीड नहीं है, नॉर्मली आमड़ा का बदले में इसमें कोई सीड नहीं है। और टेस्ट का बात करें तो नॉर्मली आप देखिए कच्चे में, मैंने पहले भी बताया, जो कच्चे में भी आप खा सकते हैं और पकने के बाद भी खा सकते हैं, सलाद में भी यूज़ होता है और सब्ज़ी में भी यूज़ होता है। यहाँ पर मैं आपको खा के चेक करता हूँ, एकदम लाइव पेड़ से लिए ऑर्गेनिक फ्रूट है, काफ़ी स्वीटनेस है। मैं इससे पहले जितना भी मैंने आमड़ा खाया था, हमारा एक बहुत पुराना बड़ा पेड़ है जो करीब 30 फीट के ऊपर हाइट है, वो बहुत खट्टानेस रहता है, हमको लबन से खाने मांगता था क्योंकि बहुत ही खट्टा रहता था और उतना टेस्ट नहीं आता था, मतलब डायरेक्ट खा नहीं पाएंगे, बट ये आप डायरेक्ट खा पाएंगे, बच्चे से बूढ़े सभी खा पाता है।
पौधे का फ्रूट भी आपको मार्केट में हमेशा ही 80 रुपये 90 रुपये 100 रुपये तक आपको रेट मिल जाता है, क्योंकि इसका डिमांड जैसे है उस हिसाब से सप्लाई कम है। ठीक है, इस टाइप का पौधा हमारा पास रेडी है, होलसेल में हमारा सप्लाई रहता है ऑल ओवर इंडिया में। मुझे मैं समझ सकता हूँ बहुत लोग जो घर के पर्सनल यूज़ के लिए भी देख रहे होगा, मैं उनके लिए सजेशन तो करूँगा, ये पौधा आप लगा सकते हैं, बढ़िया लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप गार्डन होम गार्डनिंग के लिए टेरेस गार्डनिंग के लिए लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हमारा होलसेल में सप्लाई रहता है, क्योंकि हम बल्क में सप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो उस हिसाब से आपको कोई नज़दीकी नर्सरी से, भरोसा वाला नर्सरी से एक दो पौधा लेना पड़ेगा, सिंगल पौधे का हमारा सप्लाई नहीं है। ठीक है, और अगर क्वांटिटी बल्क में होता है, जैसे 50 या 100 क्वांटिटी होता है, तो उसका तो उस तक हमारा डिलीवरी रहता है ऑल ओवर इंडिया में। कमर्शियली फार्मिंग के लिए आप जो चूजेबल है बारहमासी थाई में जो आमला कर सकते हैं, क्योंकि ये जो थाई वैरायटी का आमला का जो पौधा है, ये ज़्यादा डिस्टेंस में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हमारा तीन चार साल पुराना जो पौधा है और जिसमें काफ़ी हद तक फ्रूटिंग आया है, बट पौधा आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, उस हिसाब से पौधा आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि ये पौधा ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है, बहुत स्लो ग्रोथ करता है, इसका हाइट ज़्यादा नहीं बनता। जो यहाँ पर पौधा में और भी कहीं डिटेल्स हम बताना चाहते थे, बट वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसके लिए नहीं बताया। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो तो नीचे दिया गया नंबर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक दूसरे नए वीडियो में। थैंक यू।